even remember that when Congress demitted power in May 2014, the central excise duty on diesel was a mere 3 rupees 46 paisa a litre. It has been increased by Modi government to 15 rupees 33 paisa a litre, an increase of almost 12 rupees in 52 months. Giving a paltry relief of 1 rupee 50 paisa a litre in reduction of excise duty is insignificant. It is like a needle in the haystack. क्या प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री बताएंगे कि उन्होंने केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 52 महीने में 12 बार इजाफा क्यों किया? मई 2014 के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 211% बढ़ा दी और डीजल पर 443%. मई 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मात्र 9 रुपया 23 पैसे थी, जो अब बढ़ाकर 19 रुपया 48 पैसे कर दी, लगभग 10 रुपए लीटर की बढ़ोतरी. 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे लीटर थी, जो मोदी सरकार ने 52 महीने में बढ़ाकर 15 रुपया 33 पैसे प्रति लीटर कर दी, यानी 12 रुपया लीटर का इजाफा. अब आप 1.5 रुपया लीटर कम करके एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाने के बाद झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तीसरी बात, आज वित्त मंत्री ने दुहाई दे डाली कि पेट्रोल डीजल के प्राइस आसमान को इसलिए छू रहे हैं और जनता की जेब लूट रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमत $86 प्रति बैरल हो गई है. यह सही है, आज $86 प्रति बैरल है. परंतु वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आज हम चुनौती देते हैं देश को, यह भी बताइए कि 52 महीने में औसत कच्चे तेल की कीमत बीजेपी सरकार में क्या रही? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की औसत कीमत मोदी सरकार के दौरान आती है मात्र $58 प्रति बैरल. $40 तक भी गई और आज 86 पर है, औसत आती है $58 प्रति बैरल. इसके यानी यूपीए सरकार से लगभग 45% कम. मोदी जी क्या आप भूल गए, जेटली जी क्या आप भूल गए कि कच्चे तेल की कीमत औसतन कांग्रेस सरकार में $100 प्रति बैरल से अधिक रही. 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब आप गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप पर प्रोटेस्ट करते थे तो कच्चे तेल की कीमत $147 प्रति बैरल तक गई. आज तो $86 पहली बार पहुंची है और आप आज ही दुहाई दे रहे हैं. और जब $107 कच्चे तेल की कीमत थी तो पेट्रोल की कीमत 71 रुपया 41 पैसे लीटर थी और डीजल की कीमत 55 रुपया 49 पैसे लीटर थी, जो आज 84 रुपया और 75 रुपया को पार कर गई है. इसका जवाब कब देंगे?